तो हम लोग टॉपिक पे थे कि आज मुझे आरएनए सिंथेसिस से डिस्कस करनी थी फाइनल ना। और हमें लगता है कि हाँ यस यही छोड़ा था ना आरएनए सिंथेसिस पे। याद है मोहिनी कल आप गायब थे, से तबीयत नहीं सही थी। सर खांसी बुखार तो नहीं था? नहीं, खांसी बुखार नहीं सर, बहुत सर में दर्द था सर, बहुत। हाँ सर दर्द तो चलेगा, खांसी बुखार दो चीजें नहीं चल पा रही हैं। क्यों भाई, सही कह रहे हैं? कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। सर तो ये तो मैं कल जो डिस्कशन कर रहा था वो हमने हेडिंग डाली थी क्या आरएनए सिंथेसिस, ओके ना। चलिए तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारी बातें ऑलमोस्ट हो गई थी, दो तीन बड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हुए थे वो करना था। और मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे गए हैं, जिससे कि हम लोग हैं। तो हमने कहा कि ये है प्रमोटर साइट और ये सारी बातें लिखनी भी हैं, दिस इज ए प्रमोटर साइट, और यहाँ पे आके टर्मिनेटर साइट। आप पहला सवाल यही करोगे कि टर्मिनेटर साइट का जिक्र डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं हुआ था, याद आया? हिमांशु आज कई दिन बाद आप दिखाई दे रहे हो, कहाँ गायब थे बेटा? तो मैं ये कह रहा था कि ये तो टर्मिनेटर साइट है, और इसके अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक जो आरएनए बनाएगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन, उसे स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। जरा कल जीन की जो डेफिनेशन दी थी आफरा बता दीजिए। जीन इज अ आफरा पार्ट ऑफ डीएनए सिंथेसाइजिंग एंड यूजफुल आरएनए। आरएनए, तो ध्यान से सुनिएगा, आरएनए यहां से बनना शुरू हुआ था, यहां तक हुआ था, तो इतने पार्ट को डीएनए के हम क्या कहेंगे, जीन। उससे पहले जहां से आरएनए बनना शुरू हुआ था उसे प्रमोटर साइट, और जहां जाके खत्म हुआ था उसे टर्मिनेटर साइट कहते हैं। जैसे हम से कहें कि भाई ऐसा है कि ये एक रस्सी है और ये इतनी बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका फोटो खींचना है या कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि इतना थोड़ा सा पार्ट तो मैंने पकड़ने में रख लिया है, दिखाई तो आपको इतना ही दे रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्ट तो टर्मिनल पे ऐसा है जिससे आरएनए नहीं बनेगा, वो पार्ट क्या है, प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे प्रमोटर साइट का, और इसकी तुलना करेंगे किससे, ओरी साइट से। याद है प्रमोटर साइट और ओरी साइट, तो एक लाइन लिख लेते हैं कि प्रमोटर साइट एंड ओरी साइट बोथ आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, बोथ आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। कोई गलत बात तो नहीं कही मैंने? बोलिए आफरा, मोहिनी, ये दोनों, बट लेकिन, और मैंने ये कह तो दिया, बट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि कुछ तो डिफरेंसेस हैं, बट। और अब हमें बात करनी है वो सुनिए, बट पहला पॉइंट क्या कहोगे, ओरी साइट इज ए स्ट्रक्चरल
स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रेप्लिकेशन, बोलिए सही लिख रहे हैं, फॉर रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, बट और बट प्रमोटर साइट साइट फॉर स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अगर आप चाहते तो इसकी जगह लिख सकते थे आरएनए सिंथेसिस। ओके, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट भी लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा, ये है डीएनए, ये है डीएनए और ये है इसकी ओरी साइट, ओरी साइट। जब रेप्लिकेशन होता था तो डीएनए पूरा का पूरा ही रेप्लिकेट होता था और डीएनए पूरा का पूरा ही रेप्लिकेट होता था, फिर से बताइए। और जब आरएनए बनना शुरू होता है, ये है डीएनए, ये है डीएनए और ये है इसकी प्रमोटर साइट, आरएनए यहाँ से बनना शुरू होगा और ये आरएनए, तो मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, ओरी साइट रेप्लिकेशन के दौरान ओरी साइट का भी रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान प्रमोटर साइट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, नहीं होता, बात क्लियर ना, कि रेप्लिकेशन के दौरान ओरी साइट का भी रेप्लिकेशन होगा लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान प्रमोटर साइट ट्रांसक्राइब नहीं, क्लियर है क्या? ये लाइन भी मैं लिखूं, ये लाइन भी लिखूं, यहां लिखो कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ओरी साइट इज रेप्लिकेटेड, ओरी साइट इज रेप्लिकेटेड, ओरी साइट इज रेप्लिकेटेड और वाइल और क्या कहते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, आफ्रा हमें सेंटेंस सजेस्ट करिए क्या लिखूं, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर साइट इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड, बोलिए कोई एतराज तो नहीं है ना इस पे, यह है एक्चुअली यही छोटी छोटी बातें सेंटेंस करके पूछी जाती हैं और हमेशा इधर का उधर हो जाता है। दूसरी एक बात और बता देते हैं, ये है प्रमोटर साइट, सॉरी ये है ओरी साइट, ये ओरी साइट है, बोलिए डीएनए का रेप्लिकेशन ओरी साइट के किधर होता है, आपने कहा था इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है लेकिन होगा एक ही तरफ, याद है राइट ना, लेकिन ये है प्रमोटर साइट, ये है प्रमोटर साइट, तो ये है प्रमोटर साइट, ये प्रमोटर साइट, हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन एक तरफ होता है, सॉरी हमेशा ट्रांसक्रिप्शन एक तरफ होता है और एक ही तरफ होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओरी साइट वाली बात मैं लिख चुका हूं, मैं लिखूंगा नहीं, प्रमोटर साइट के बारे में बताइए कि जो है फ्रॉम प्रमोटर साइट, फ्रॉम प्रमोटर साइट ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, बोलते जाइएगा बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं ये, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस टुवर्ड्स वन साइट, टुवर्ड्स वन साइट, वन साइट कॉमा कैन टेक प्लेस ऑन वन साइट ओनली, वन साइट। देखिए एक बात बताइए, डीएनए और आरएनए में, प्रमोटर और ओरी साइट में क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे भी होता एक ही तरफ है, यहाँ पे भी हो एक ही तरफ रहा, लेकिन यहाँ हो सकता था किसी भी तरफ, यहाँ पे और एक ही साइड होगा, तो
एक ही साइड होगा एंड, और इसके बाद जो लिख रहा हूँ वो और बड़ी बात लिख रहा हूँ। आपने कहा चलिए, मैंने आपसे उस दिन कहा था कि ये मेन रोड है, आप ये अपने मोहल्ले से निकल के आए यहाँ आए, अब आप जा सकते हैं बाएं भी जा सकते हैं दाएं भी, लेकिन जाएंगे एक ही तरफ। आपको याद है जब ओरी साइड की बात आई थी तो मैंने यही बताया था, यही बताया था। बोलिए बोलिए। लेकिन एक नई समस्या है, अगर कहीं ये वन वे हुआ तब, अगर कहीं वन वे हुआ तो बोलिए तब क्या होगा, आप एक ही तरफ जा सकते हैं, भले ही आपको यूं जाके फिर घूम के यूं आना पड़े। और ये क्या ऐसा है कि यहीं से आप दूसरी तरफ जा सकते हैं? अनंत, अनंत बोलिए। नो सर। और एक बात और बता देते हैं कि आप जाने, और ये हमेशा के लिए फिक्स हो गया, ये नहीं कि आज इस तरफ को मुड़ गए कल इस तरफ को मुड़ जाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो अगली बात जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और एंड ऑलवेज, एंड ऑलवेज ऑन दैट साइड ओनली, ऑलवेज दैट साइड ओनली। आप कहोगे आप एक लाइन में नहीं लिख सकते थे क्या, इट टेक्स प्लेस ऑन ओनली वन साइड? नहीं, हमारे सामने समस्या थी, मुझे डीएनए से कंपैरिजन करना था। आपने कहा डीएनए में होता एक ही तरफ है, लेकिन हो किसी भी तरफ हो सकता था। और इस तरह से यहां मैंने कहा कि डीएनए आर एक ही तरफ होगा, ऑलवेज उसी साइड ही होगा हमेशा, ये नहीं हो सकता कि कभी इधर को हो जाए कभी इधर को हो जाए, ये नहीं हो सकता, ऑलवेज उसी साइड होगा। आप मेरी बात क्लियर है? अगर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो इस तरह से एक बात और इम्पोर्टेंट है, चौथा पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सिंस एंटायर डीएनए इज रेप्लिकेटेड, इज डीएनए इज रेप्लिकेटेड, सो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन टर्मिनेटर साइट इज नॉट रिक्वायर्ड। बोलो भाई, नॉट रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड और टर्मिनेटर साइट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, हेलो, टर्मिनेटर साइट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, टर्मिनेटर साइट इज नॉट रिक्वायर्ड और जरूरत नहीं है। क्यों भाई? जब आपको कहीं रोकना ही नहीं है, पूरा का पूरा आपको बनाना ही है, तो टर्मिनेटर साइट की कोई आवश्यकता है क्या? टर्मिनेटर साइट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, ओनली स्मॉल सेगमेंट इज ट्रांसक्राइब्ड, सो टर्मिनेटर साइट इज रिक्वायर्ड। बोलिए, इसलिए सो टर्मिनेटर साइट की जरूरत पड़ेगी। बोलिए, कब जरूरत पड़ेगी? तो आपसे सवाल ये बताइए, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए भी ओरी साइट की जरूरत पड़ी, आरएनए सिंथेसिस शुरू करने के लिए प्रमोटर साइट की जरूरत पड़ी, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान टर्मिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ नॉट नहीं लगा है, नॉट रिक्वायर्ड। ओके ना, एक बात इम्पोर्टेंट ये हो गई कि नॉट रिक्वायर्ड। दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे
टर्मिनेटर साइट की जरूरत पड़ेगी। भाई जब आपको काम कम करना हो तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ रुकना है, जब आपको पूरा ही करना है तो ये पता होने की जरूरत क्या है कि कहाँ रुकना है, क्या करना है, राइट ना। तो टर्मिनेटर साइट इज रिक्वायर्ड, टर्मिनेटर साइट इज रिक्वायर्ड। चलिए एक बात तो ये इम्पोर्टेंट हो गई, तो एक बात बोले ये है। और पांचवा एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, पांचवा एक पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट है, जरा क्लैरिफाई करिएगा, क्लैरिफाई करिएगा और बहुत सोच के करिएगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल कहाँ से शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था, ओरी साइट से, ओरी साइट से शुरू किया था। उसके बाद क्या हुआ था, डीएनए, ये डीएनए ओपन हो गया था और फिर उसके बाद डीएनए बनने लगा था और इस पे डीएनए बनना शुरू हो गया था इधर से, इस पे डीएनए बनना शुरू हो गया था इधर से। बोलिए ये कौन सी प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस थी, याद है आपको, रेप्लिकेशन। ये कौन सी प्रोसेस है, रेप्लिकेशन। क्लियर हो रही, तो मैं यहाँ लिखूं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, बोथ है स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए वर्क एज ए टेम्पलेट। डीएनए बनाते समय दोनों ने टेम्पलेट का काम किया था, इसका नाम बता देते लीडिंग टेम्पलेट था और इसका नाम बता देते लैगिंग था, ये लैगिंग था। वैसे दोनों पे बना रहे थे ना, और वर्क बोथ स्टैंड्स ऑफ, बोथ स्टैंड्स ऑफ डीएनए, सॉरी ऑफ डीएनए वर्क एज टेम्पलेट। टेम्पलेट एक और बात कहनी जरूरी है, साइमल्टेनियसली, ये बताइए साथ साथ कर रहे थे कि एक बार इस पे बना लिया अगली बार दूसरे पे बना लिया, बोलिए ये काम आप कैसे कर रहे थे, हमें लगता है ये काम आप साथ साथ कर रहे थे, नहीं बोलिए। यस सर, साथ साथ कर रहे थे। अब यहाँ पे लिख रहा हूं और फिर फिगर बना के बताऊंगा आपसे। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, और ये बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं आप, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन ओनली और ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए वर्क्स एज ए टेम्पलेट, सिर्फ एक स्ट्रैंड डीएनए का टेम्पलेट का काम करता है, दोनों धागे टेम्पलेट का काम नहीं करते। ओनली वन स्ट्रैंड वर्क एज टेम्पलेट, सिर्फ एक स्ट्रैंड काम करता है टेम्पलेट का। एंड और ओनली वन, सॉरी अभी थोड़ा सा एक शब्द लिखना बाकी रह गया था, एट ए टाइम एक समय में। अच्छा ये बताइए यहाँ क्या लिखा था, साइमल्टेनियसली, बोलिए यहाँ क्या लिखा था, साइमल्टेनियसली, यहाँ क्या लिखा, एट ए टाइम मतलब क्या हुआ, डीएनए का एक धागा ये है, डीएनए का एक धागा ये है, डीएनए का ये दोनों धागे एक ही समय में टेम्पलेट का काम कर रहे हैं, तब रेप्लिकेशन के दौरान, और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक समय में कितना धागा, एक या दोनों, एक काम कर रहा, इसका मतलब डीएनए में रेप्लिकेशन जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एक समय में सिर्फ एक धागा। एंड और एक बात बता दें, और इम्पोर्टेंट बात, एंड ऑलवेज दैट स्टैंड, ऑलवेज दैट स्टैंड, जैसे क्लास में कुछ लोग दुखी रहते हैं, क्लास में कुछ लोग दुखी रहते हैं, और दुखी क्या रहते हैं, क्लास में लोग दुखी रहते हैं, और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है,
कि जैसे आज मान लीजिए किसी टीचर ने स्टूडेंट से सवाल पूछा, तो इनसे सवाल पूछा, तो कल फिर जब पूछेंगे तो भी इन्हीं से पूछेंगे, तो गुस्सा आती है, हम ही रह गए हैं पूछने के लिए। बोलो भाई आफरा, ऐसा गुस्सा आता आनंद? यस सर। तो मुझे लगता है कि ये आरण्य के दौरान यही हुआ। आरण्य जैसे घर में जब कभी कोई काम करना होता है, रात में अक्सर पिताजी कहते हैं पैर दबाओ, तो आप ही से कहते हैं, छोटे भाई से नहीं कहते हैं। अब बताओ क्या गड़बड़ हो गई, तो गुस्सा बहुत आती है, हमेशा हम ही से कहते हैं, वो टहलता रहता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ऑलवेज उसी से होगा, एक उसकी कई वजहें। और ये आपको कि जितनी बात आपने कही है, रीजन नहीं, पहले मैकेनिज्म बता दीजिए। सुनिएगा, ये एक डीएनए है, और ये एक डीएनए है, और ये हम बनाने जा रहे हैं आरएनए, ये बनाने जा रहे हैं आरएनए। आप कहोगे पहला काम करिए कि प्रमोटर साइट से इस डीएनए को ओपन करिए, पहला काम करिए प्रमोटर साइट से इस डीएनए को क्या करिए, ओपन करिए। कोई कंफ्यूजन आपको? बोलिए, ओपन करिए। क्या पूरा डीएनए एक बार में ओपन हो पाएगा? नहीं, टुकड़े टुकड़े ओपन होगा। कहां से ओपन करेंगे? प्रमोटर साइट से। दूसरा सवाल मेरा एक और है कि कौन ओपन करेगा, तो आप कहोगे वो दो एंजाइम हैं, हम जानते हैं उनको, एक हेलिकेज और एक क्या, टोपो आइसोमरेस। सही कह रहे हैं? यस सर। तो पहले ओपन किया, फिर इसको सीधा किया, फिर उसको सीधा किया, और इस तरह से इस स्ट्रक्चर को पहले मैं एक नाम दे चुका हूँ, याद करिए क्या कहा था, वाई शेप। कहा था कि नहीं कहा था मैंने? yes. कहा था, लेकिन आज इसे कहें कि ना कहें, आप कहोगे रहने दीजिए, क्योंकि इस समय रेप्लिकेशन चल ही नहीं रहा, इस समय तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा। बोलिए, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा। तो ये इसका 3' टर्मिनल, ये इसका 5' टर्मिनल, आर एन ए इस पे बनेगा, इस पे नहीं बनेगा आर एन ए इस पे। अब बताइए इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे दिस इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, और इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। फिर से बोलिए, सेंस स्ट्रैंड, और इसको क्या कहेंगे? एंटी सेंस स्टैंड। फिर से बताइए, आरएनए एक स्टैंड पे बनेगा कि दोनों टेम्पलेट पे बनेगा? एक एक, एक पे बनेगा। जिस पे बनेगा उसका नाम क्या रखा आपने? सेंस स्टैंड। जिस पे नहीं बना उसका नाम क्या रखा? एंटी सेंस स्टैंड। एंटी सेंस स्टैंड। चलिए थोड़ी बात और बढ़ाते हैं। ये डीएनए, एक इंपॉर्टेंट बात और है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो डीएनए है, ये थोड़ा सा, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये थोड़ा सा और आगे ओपन हो गया। और ध्यान से सुनिएगा, ये बात एनसीईआरटी ने लिखी है, और बड़ी मुश्किल से लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये है क्या, ये लिख क्या दिया एनसीईआरटी ने। ये जो आरएनए बन रहा था, ध्यान से आफरा, आनंद, मोहिनी, ये जो हिमांशु, तो ये जो आरएनए बन रहा है, ये जो आरएनए बन रहा है, ये जो आरएनए बन रहा है, ये इससे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अब मुझे समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि पहले डीएनए को अलग किया, थोड़ा सा आरएनए बना लिया, उसके बाद वो आरएनए अलग हो गया, तो डीएनए पीछे से फिर ज्वाइन हो गया, फिर ज्वाइन हो गया, आगे खुल गया, और ये धीरे धीरे डीएनए खुलता जा रहा, आरएनए बनता जा रहा, आरएनए बन के अलग हो जाता। और बहुत धीरे से एनसीईआरटी ने इस पे एक बहुत बड़ी बात लिख दिया है, मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, अभी देखिएगा। ये डीएनए पीछे से जो उधेड़ा था वो लपेटते जा रहे हैं,
और ये नया ओपन होता जा रहा आगे, ये देखिए ओपन हो गया और ये आरएनए बनके अलग होता जा रहा है, ये अलग होता जा रहा, फाइनली हमें एक ये आरएनए मिल गया, आरएनए मिल गया और ये क्या कहते हैं डीएनए वापस मिल गया जैसा था वैसा। लेकिन एक बात बताइए, आपने डीएनए के दोनों टेम्पलेट पे, दोनों स्ट्रैंड पे आपने बतौर टेम्पलेट यूज किया है कि एक धागे को, एक को, एक, एक ही धागे, एक धागे को यूज किया। अच्छा एक बात बताइए, जब अगली बार इस डीएनए से आरएनए बनाने लगेंगे तो क्या इस वाले धागे पे बना लें, अब की इस पे ना बनाए, क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं हो सकता, हमेशा यही इस्तेमाल होगा, आज भी यही हुआ, आगे भी यही होगा और इसी तरह से होगा, राइट ना? कभी दूसरा वाला धागा कभी इस्तेमाल ही नहीं होता आरएनए बनाने के लिए, जिसे आपने क्या नाम दिया, एंटीसेंस। एक बात बताइएगा, ध्यान से सुन के बताइएगा मेरी बात, जब डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था तो क्या हुआ था, डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था तो क्या हुआ था, ये डीएनए थोड़ा ओपन हुआ था याद करिए, फिर उसके बाद क्या हुआ था, एक ये नया डीएनए इस पे बन गया था, नया डीएनए इस पे, फिर ये डीएनए थोड़ा और ओपन हुआ था, थोड़ा और ओपन हुआ था, इस तरह से याद करते चलिएगा, सही बना रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा। इस पे डीएनए बनता जा रहा था, इस पे बनता जा रहा था, ये बनता जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ था, फिर से डीएनए ये ओपन हुआ था और अब की पूरा डीएनए ओपन हो गया था ये, और इस पे ये नया डीएनए ये बन गया था और इस पे टुकड़े टुकड़े बना था। अब उनके नाम आप लोगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। एक बात बताइए, ध्यान से बताइएगा, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो नया धागा बना है, ध्यान से सुनिए, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो नया धागा बना है कभी अपने टेम्पलेट से अलग हुआ क्या? रिमेन ऑलवेज अटैच्ड, बोलिए। यस सर, रिमेन ऑलवेज अटैच्ड। और यहाँ पे क्या हो रहा, जैसे जैसे नया धागा आरएनए का बनता जा रहा, अलग होता जा रहा, अलग होता जा रहा, ये देखिए अलग हो गया, अलग हो गया, बहुत धीरे से एनसीईआरटी ने लिखा है, सुनिए, अ वेरी स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन अटैच्ड विद द डीएनए। बोलिए सही लिखा है? यस यस। क्या लिखा है फिर से बताइए, क्या लिखा है? डीएनए सॉरी आरएनए बनाते समय जो नया आरएनए बन रहा है वो अपने टेम्पलेट से थोड़ा सा टुकड़ा ही जुड़ा रहता है, बाकी अलग होता रहता, अलग होता रहता, अलग होता रहता। बोलिए सही कह रहे हैं? यस सर। और डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो नया धागा बना वो अपने टेम्पलेट से ऑलवेज रिमेन अटैच्ड। बोलिए। यस सर। तो ये सेंटेंस लिखने लायक है कि नहीं? और बहुत धीरे से एनसीईआरटी ने लिखा है, कभी कभी तो हमारी नजर भी नहीं जाती उस पे, इतना धीरे से लिखा है। चलिए अब बताइए, अब बताइएगा, अब मैं क्या लिखूं, जल्दी से बताइए। During RNA synthesis, during RNA synthesis, बोलिए भाई अनंत सिद्धार्थ कुछ बताइए। RNA synthesis, new strand of RNA remain attached with the template, बोलिए भाई, टेम्पलेट फॉर अ वेरी स्मॉल, क्या मैं वो एनसीईआरटी वाली लाइन ही लिख दूं क्या, स्मॉल स्ट्रेच। स्ट्रेच का क्या मतलब होता भाई, टुकड़ा, स्ट्रेच का मतलब टुकड़ा। बोलिए भाई। yes, बोलिए सही लिखा है ये? यस सर। बट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बताइए क्या होगा,
but during replication new strand remain attached always bolo bhai yes sir remain attached always with the template तभी तो एक नया एक पुराना सेमी कंजर्वेटिव हुआ था yes, sir. सेमी कंजर्वेटिव हो गया था बोलिए भाई सही क्लियर आप कहोगे एक बात बताइए आप आरएनए बना नहीं रहे हैं इतनी देर से खाली आरएनए डीएनए में डिफरेंस बता रहे हैं बोलिए बोलो भाई yes, sir. अच्छा एक लाइन और एक बात और बताइए एक बात और बताइए आखिरकार ये डीएनए आपने उधेड़ रखा है दोनों ये भी उधेड़ रखा है इस पे भी आरएनए बनवा लेते इससे भी आरएनए बनवा लेते आपको लगता नहीं एक पे एक फ्री मिल जाता बोलो भाई आप रहा यस एक पे एक फ्री मिल जाता और एक पे एक फ्री मिल जाता बोलिए भाई डायरेक्शन लेकिन बदल जाता कुछ गड़बड़ तो होती है इसीलिए तो एक सवाल मेरे मन में है एक सवाल मेरे मन में है सवाल सुन लीजिए फिर उसका जवाब दीजिएगा ये बताइए why the RNA is not synthesized on both the templates क्यों नहीं दोनों पे RNA बनाया गया RNA क्यों नहीं हाँ इस पे हम बात चर्चा करेंगे इस पे हम डिस्कशन करेंगे ये ऐसा क्यों हुआ अभी हमने कुल 5 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे अब हमारा मन कर रहा है कि हम एक पॉइंट और लिखें एक पॉइंट और लिखें और ये है मुझे एक बार फिर से बता देते ये बहुत फंडामेंटल बातें बताइए प्रमोटर साइट इज रिक्वायर्ड फॉर आरएनए सिंथेसिस ओरी साइट इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन लेकिन दोनों पाए कहाँ पे जाते हैं डीएनए दोनों पाए कहाँ जाते हैं डीएनए पे कोई एतराज है आपको नहीं लेकिन दोनों में फर्क है एक रेप्लिकेशन के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक के दोनों साइड रेप्लिकेशन हो सकता है लेकिन होता है एक ही एक समय में एक ही साइड होता है प्रमोटर साइड के भी रेप्लिकेशन एक ही तरफ होता है लेकिन ऑलवेज उसी साइड होता है बोलिए yes, ऑलवेज उसी साइड होता है मतलब आइदर का कोई चक्कर नहीं है ऑलवेज लेफ्ट एंड राइट दोनों ऑप्शन है हमें ये है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वन वे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं कि आप किधर जाएंगे वो तो पहले से डिसाइडेड है बोलिए यस चलिए तो ये सर ये जब आरएनए ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो जब डीएनए का स्ट्रैंड खुलता है तो सर फिर वापस अनवाइंड हो जाता है वो तो करना ही पड़ेगा जैसे आप मान लीजिए किसी के कॉपी लें फोटोकॉपी कराने के लिए तो आप उससे एक एक पेज निकाल के फोटोकॉपी कराने के बाद उसको उधेड़ के वापस कर देंगे कि भैया ये लो हमारा काम हो गया बोलो भाई शिरीष यस सर उसे तो वापस करके देना ही होगा नहीं करना होगा और यहां मैंने एसएसबी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर एसएसबी का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो क्या होगा बोलिए स्ट्रैंड वापस जुड़ जाएंगे याद है आपको ना ये बात मैंने कही थी पहले कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझ लो कि इस तरह से हो जाएगा और तो ये मैंने आपसे कहा था कि ऐसा जो है हो जाएगा क्लियर है कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए आप हमें आरएनए जब डीएनए का स्ट्रैंड वापस जुड़ेगा तो आरएनए का पार्ट टूट जाएगा या फिर आरएनए से जुड़ा रहेगा नहीं आरएनए धीरे धीरे अलग होता जा रहा है डीएनए पीछे से रिकॉइल होता जा रहा है मैंने फिगर बनाया आप देखिए तो ये डीएनए खुला आरएनए बना आरएनए देखिए टूटा नहीं है यहाँ देखिए आरएनए टूटा नहीं है आरएनए खाली अलग हो गया धीरे से थोड़ा सा उसके बाद ये पीछे से जुड़ गया फिर ये और बन गया तो ये अलग हो गया और ये थोड़ा सा जुड़ा
फिर ये पूरा बन गया तो ये आरएनए अलग हो गया, डीएनए अपना रिजॉइन हो गया, कंफर्म हुआ? बोलिए। यस सर। चलिए थोड़े से बात और आगे बढ़ाइए, और ये टेम्प और ये है, ये बताइए कि अब मैं आरएनए बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे पास एक डीएनए है, ये मेरे पास एक डीएनए है, इसको आपने सेंस स्टैंड कहा है, बोलिए, इसको आपने सेंस स्टैंड कहा है, इसको क्या कहा है भाई? एंटी सेंस स्टैंड, एंटी सेंस स्टैंड, बोलिए, एंटी सेंस स्टैंड। मैं इसको एक नाम और देना चाहता हूं, इसको मैं कहना चाह रहा हूं टेम्पलेट, इसको मैं कहना चाह रहा हूं टेम्पलेट, टेम्पलेट। अच्छा एक बात बताइए, डीएनए से आरएनए बनाया था तो आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, ये बात कहीं मैं लिख चुका हूं ना, लिख चुका हूं। आरएनए को मैंने कोड कहा था, इसको मास्टर कोड कहा था, याद है? यस सर। डीएनए को क्या कहा था? मास्टर कोड। एक सवाल मेरे मन में है, मास्टर कोड सेंस स्टैंड को कहेंगे कि एंटी सेंस स्टैंड को कहेंगे? इसका नाम थोड़ा से है कोडिंग स्टैंड, इसका नाम है कोडिंग स्टैंड। बड़ा क्लियरली समझ लीजिएगा तब कहते बनेगा, क्यों? कोडिंग स्टैंड। चलिए एक मैं आरएनए ले रहा, डीएनए ले रहा, ये है थाइमिन तो ये क्या होगा? एडेनिन। ये है ग्वानिन तो ये क्या होगा? साइटोसिन। ये है ग्वानिन तो ये क्या होगा? साइटोसिन। ये है थाइमिन तो ये क्या होगा? एडेनिन। ये है साइटोसिन तो ये क्या होगा? ग्वानिन। ये है साइटोसिन तो ये क्या होगा? ग्वानिन। बताइए टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट क्या है? गिनिए, टी जी जी टी सी सी ना, बोलिए। एंटी सेंस स्टैंड क्या है? ए सी सी ए जी जी, बोलो भाई। यस सर। एक बदल देता हूं, एक थोड़ा से बदल देता हूं, ये वाला बदल रहा हूं, ये वाला बदल रहा हूं, ये एडेनिन है, ये थाइमिन। ओके, कोई एतराज नहीं है आपको? एक काम करिए, आप आरएनए बनाइए, आरएनए बनाइए, आरएनए बनाइए, प्लीज आरएनए बनाइए, आरएनए बनाओ। ये बताओ किस पे रख के बनाना है? ये टेम्पलेट है? बोलिए भाई अनंत। यस सर। तो थाइमिन पे रख के जब आरएनए बनाओगे तो यहाँ क्या आएगा? एडेनिन। एडेनिन। ये ग्वानिन के बदले में क्या आएगा? साइटोसिन। साइटोसिन। ये एडेनिन के बदले में क्या आएगा? थाइमिन। एडेनिन थाइमिन नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा, आपको याद है ना? आरएनए में थाइमिन की जगह क्या? यूरेसिल। यहाँ थाइमिन की जगह क्या आएगा? एडेनिन। ये साइटोसिन की जगह क्या आएगा? साइटोसिन की जगह क्या आएगा? ग्वानिन। ये साइटोसिन की जगह क्या आएगा? ग्वानिन। आपने आरएनए किस पे रख के बनाया है? बोलिए। सेंस स्टैंड। टेम्पलेट सेंस स्टैंड पे। ये जो आरएनए बना है इसका कंपैरिजन एंटी सेंस स्टैंड से करिए। यहाँ एडेनिन, यहाँ एडेनिन, यहाँ साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन, यहाँ यूरेसिल, यहाँ थाइम, यहाँ एडेनिन, यहाँ एडेनिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन। ये बताओ इस टेम्पलेट पे जो डीएनए, जो आरएनए बनेगा वो एंटी सेंस जैसा होगा? बोलिए। यस सर। आफ्रा, आफ्रा मेरी बात को समझ में आई? यूरेसिल का तो डिफरेंस है। यस सर। कह दूंगा एक्सेप्ट यूरेसिल एंड थाइमिन, इतना ही तो कहना है। यस सर। यस सर। यूरेसिल तो नहीं है। जो आरएनए बना है वो एग्जैक्टली किसके सिमिलर है? एंटी सेंस स्टैंड के। बोलिए। हमने एकदम बना के दिखाया, आपने बनाया किस पे था? टेम्पलेट पे। जो आरएनए बना वो कैसा है? एंटी सेंस स्टैंड जैसा। एक डिफरेंस है थाइमिन और यूरेसिल का। ओके। यस सर।
बोलिए भाई आफरा मोहिनी यस सर। चलिए एक बात बताइए, ये आरएनए पे क्या पाया जाता है? कोट। आरएनए पे क्या पाया जाता है? कोट। डीएनए पे क्या पाया जाता है? मास्टर कोट। मास्टर कोट। ये बताओ टीजीए क्या है? मास्टर कोट। टीसीसी क्या है? मास्टर कोट। बोलिए यस सर। एसीयू क्या है? कोट। एजीजी क्या है? कोट। कोट। आरएनए पे क्या पाया जाता है? कोट। यस सर। और डीएनए पे क्या पाया जाता है? मास्टर कोट। सही कह रहे हैं आप? यस सर। बोलिए भाई बताते जाइए एकदम क्लियर कट। कोई कंफ्यूजन है आपको? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? एक बात बताइए, एक बात इंपॉर्टेंट बताइए और वो ये है, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो ये एंटीसेंस स्टैंड है, ये है क्या कोडॉन, तो क्या मैं इसे कोडिंग स्टैंड नहीं कह सकता? कह सकते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं ये आरएनए ना बनाऊं तो क्या इस डीएनए को देख के आप बता नहीं सकते जो आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा? बता सकते हैं सर। आरएनए कौन सा क्या बनेगा बताइए? ए सी यू ए जी जी। सुरेश यस सर। क्या मुझे आरएनए लिखने की जरूरत है या डीएनए देख के बता दोगे आप? डीएनए देख के बता देंगे। ये आफरा ये क्या है? टेम्पलेट। सेंस स्टैंड। इसका नाम टेम्पलेट है। ये क्या है? कोडिंग स्टैंड। क्यों कोडिंग स्टैंड कह रहे हैं? इस पे जो सीक्वेंसेस है वही आरएनए के कोड्स होंगे। सिर्फ एक फर्क आएगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल। थाइमिन की जगह यूरेसिल। अब मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं लिखूंगा और क्या लिखूंगा सुनिएगा, क्या लिखूंगा कि आरएनए सिंथेसाइज्ड ऑन RNA synthesized on template will be exactly similar to RNA से आपका मतलब क्या है? आरएनए से आपका मतलब क्या है? कोड्स। अरे भाई आरएनए क्या? कोड्स। डीएनए क्या? मास्टर कोड। एग्जैक्टली सिमिलर टू आरएनए। किसके सिमिलर होगा बोलिए भाई? एंटीसेंस स्ट्रैंड। सिमिलर टू आरएनए, आरएनए के सिमिलर होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? ये बात समझ में नहीं आएगा। लो टेम्पलेट किस नहीं समझ आ रहा है। अच्छा बेरर मैं एग्जैक्टली सिमिलर टू आरएनए एंड कोड्स, एग्जैक्टली सिमिलर टू टेम्पलेट विल बी एग्जैक्टली ओहो एग्जैक्टली सिमिलर टू सॉरी सिमिलर टू टू कोडिंग स्टैंड, सिमिलर टू कोडिंग स्टैंड एक्सेप्ट यूरेसिल एंड थाइमिन। अब समझ में आई? यस सर। आफरा? यस सर। अब समझ में आ गई? तो ये एक बात बताइए, इसका नाम कोडिंग स्टैंड क्यों पड़ा? सिमिलर टू द आरएनए या कोड्स, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। इसका मतलब एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब जरा हम पहुंच गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में।
ये है डीएनए का टेम्पलेट, ये है टेम्पलेट, टेम्पलेट। अच्छा आप अपने मन से सब बताते जाइएगा, ये है थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये है और इस तरह से इतने सारी बातें मैंने लिख दिया। ओके हेलो बोलिए वे। यस सर। सारे मैंने लिख दिया। ये बताइए क्या लिखा है, मास्टर कोड या जेनेटिक कोड? अरे भाई टेम्पलेट पे क्या पाया जाता, मास्टर कोड, मास्टर कोड। अब आप हमें बताइएगा जो आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा, जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो क्या बनेगा, बनाइए। थाइमिन से क्या जुड़ेगा, एडेनिन, एडेनिन से क्या जुड़ेगा, यूरेसिल, एडेनिन से ये क्या जुड़ेगा, यूरेसिल, ये सॉरी ये कुछ गड़बड़ लिख उठा क्या, साइटोसिन, यूरेसिल, ये एडेनिन, ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन, ये क्या हो जाएगा, ग्वानिन, ये क्या, साइटोसिन, ये क्या, ग्वानिन, ये जो आपने बनाया था ये क्या था, मास्टर कोड, ये क्या है, जेनेटिक कोड। ओके बोलिए भाई। ये जो जेनेटिक कोड है क्या ये आप पहले नहीं बता सकते थे क्या? बता सकते थे। आप डीएनए का दोनों धागा लिख लेते अपने आप। ये बताओ डीएनए का ये कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड। बोलिए भाई। डीएनए के दो धागे होते हैं ना, ये वाला टेम्पलेट, ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड बनाइए, आपको क्या बनाना है, ए टी सी और क्या टी ए सी, ये क्या जी सी जी, ये बताओ कोडिंग स्टैंड और एमआरएनए सेम नहीं है? सिर्फ एक्सेप्ट यूरेसिल। एक बार बताओ इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ता कौन है, बोलिए भाई। याद है नहीं याद आ रहा, इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ता कौन है, टीआरएनए, एंटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए, कौन पढ़ता भाई, एंटीकोडॉन लूप ऑफ टीआरएनए, ये अमीनो एसिड लेके आया ये अमीनो एसिड लेके आया ये अमीनो एसिड लेके आया ये, क्या आप टीआरएनए का एंटीकोडॉन बता सकते हो क्या हमें? तो बताओ एडेनिन से क्या जुड़ेगा, यूरेसिल, यूरेसिल से क्या जुड़ेगा, एडेनिन, साइटोसिन से क्या जुड़ेगा, ग्वानिन, बोलो सही लिख रहे हैं? यस सर। ये यूरेसिल से क्या जुड़ेगा, एडेनिन, एडेनिन से क्या जुड़ेगा, यूरेसिल, साइटोसिन से क्या जुड़ेगा, ग्वानिन, ये ग्वानिन से क्या जुड़ेगा, साइटोसिन, साइटोसिन से क्या जुड़ेगा, ग्वानिन, ये साइटोसिन। ये बताइए ये जो मैं रेड कलर में लिख रहा हूं ये क्या है, ये क्या है, एंटीकोडॉन, ये क्या है, एंटीकोडॉन, ये क्या है, एंटीकोडॉन, ये जो मैंने लिखा ये क्या है, जेनेटिक कोड। अच्छा एक काम करो, जेनेटिक कोड्स को डीएनए से मिलाओ तो ये किससे मिलता है, कोडिंग स्ट्रैंड से, कोडिंग, एंटीकोडॉन को डीएनए से मिलाओ, टेम्पलेट से, टेम्पलेट। बोलिए। यस सर। नहीं, यस सर। मैं ये लाइन लिख दूं ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन। और आपको याद होगा मैंने आपसे क्या लिखाया था, मैंने लिखाया था कि मास्टर कोड से संदेश पहले जाता है जेनेटिक कोड को, फिर एंटीकोडॉन को, फिर अमीनो एसिड को, तब बनती है क्या प्रोटीन, याद है? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, तो ये है
ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन ध्यान से दो बातें सुनिएगा। कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए विल बी सिमिलर टू बोलिए सिमिलर टू क्या सिमिलर टू जेनेटिक कोड्स ऑफ एमआरएनए नहीं सही हो रहा yes, sir. ये है ये बताइए ये जो कोडिंग स्टैंड है ये किसके सिमिलर है जेनेटिक कोड्स के जेनेटिक और एंटी मास्टर कोड इज सिमिलर टू एंटीकोडन ऑफ टीआरएनए तो ये मुझे बताइए कि मास्टर कोड ऑफ डीएनए इज सेम एज बोलो एज एंटीकोडन ऑफ टीआरएनए टीआरएनए विद डिफरेंस ऑफ यूरेसिल बोलो यस सर चलो एक क्वेश्चन बताओ जल्दी से ये एक डीएनए है ये टेम्पलेट है और ये कोडिंग स्टैंड है एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन थाइमिन एक बात बताओ जो इससे एमआरएनए बनेगा उसके जेनेटिक कोड्स क्या होंगे बता सकते हो हाँ यूसीसी जीयूयू बोलिए अरे जो कोडिंग स्टैंड वही एमआरएनए फिर से बताइए एमआरएनए के जेनेटिक कोड्स क्या होंगे यूसीसी ये बताइए दूसरा कोड क्या होगा जीयूयू बोलिए यस सर ये बताइए जो एंटीकोडॉन टीआरएनए का यूज होगा वो क्या एजीजी सीए टेम्पलेट का मास्टर कोड किसके सिमिलर टीआरएनए एंटीकोडॉन ठीक है यस सर चलिए आप अच्छे स्टूडेंट हैं बता लेंगे हम जानते हैं और ये चलिए एक बात और मुझे बताइए कुछ कह रहे हो ऐसा ठीक है एक बात और बता दो अब बता दो ये बताइए ये सातवां पॉइंट करके लिख रहा हूं ये है डीएनए ये है प्रमोटर साइट ये है टर्मिनेटर साइट ये प्रमोटर और ये क्या टर्मिनेटर कोई दिक्कत आपको और ये बताओ ये क्या है प्रमोटर ये क्या है टर्मिनेटर ये बीच में यहां से लेके यहां तक क्या है स्ट्रक्चरल जीन अरे मैंने लिखा था शुरू में याद है स्ट्रक्चरल जीन कहीं मैंने लिखा था ये क्या है स्ट्रक्चरल जीन ये क्या है प्रमोटर ये क्या है टर्मिनेटर बोलिए yes, तो ये क्या है प्रमोटर ये क्या है टर्मिनेटर ये क्या है टेम्पलेट ये क्या है कोडिंग स्टैंड बोलो भाई नहीं समझ में आ रही बात
डीएनए के दो धागों में से एक कोडिंग स्ट्रैंड, और ये मैंने क्या दिखाया, डीएनए का एक धागा, ये क्या दिखाया, डीएनए का दूसरा धागा। ये बताओ टेम्पलेट किस दिशा में होता है, टेम्पलेट इज ऑलवेज 3 to 5, याद है? यस सर, यस सर। तो ये बताओ ये जगह क्या कही जाएगी, अपस्ट्रीम, ये जगह क्या कही जाएगी, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम भाई जहां से शुरू करोगे वो अपस्ट्रीम, जहां खत्म करोगे वो डाउनस्ट्रीम। बोलिए। यस सर। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछ दूं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम 3 डैश टर्मिनल पे होती है कि 5 डैश टर्मिनल पे होती है? सर 3 डैश। क्यों, आपको इससे दुश्मनी है क्या? सर लेकिन सर टेम्पलेट है तो वही टेम्पलेट से होगा ना। सुनिए, ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शंस आर taken according to, all directions are taken according to coding stand। कोई जरूरी है हर जगह template ही चले? All directions are taken to the coding stand, so that, जल्दी से मुझे 4 बातें सुनाइए। अप स्ट्रीम किस टर्मिनल पे होगी? 5 डैश। ओके ना, ये बताइए डाउन स्ट्रीम कहाँ होगी? 3 डैश। हम बहुत दुविधा में थे कि क्या करें, 3 डैश का। बोलिए भाई। यस सर। प्रभात कुछ सुन रहे हो बेटा? हिमांशु तो पता नहीं कहां हवाई जहाज चला रहे हैं, आवाज इतनी आ रही है। अनंत? यस सर। कहां एयरपोर्ट पे बैठे हो इतनी आवाज आ रही है? सर मेरा माइक ऑफ है सर। नहीं जी, तुम्हारा माइक ऑफ नहीं है, अब हुआ। तुम आ रही तो ऑफ नहीं हो रहा। तो सुनो, यस। अच्छा सुनिए, दूसरा पॉइंट बताइए, तीसरा बताइए। प्रमोटर एट अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम। अच्छा अप स्ट्रीम प्रमोटर भैया, कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग देखेंगे ना। हाँ तो कोडिंग स्टैंड 3 डैश पे इधर प्रमोटर है ना? मैंने डैश नहीं पूछा, मैंने तो पूछा प्रमोटर कहाँ होगा। प्रमोटर से ही तो तय किया था कि ये अपस्ट्रीम है। अरे भाई जहां से शुरू करो वो अपस्ट्रीम, जहां खत्म करो वो डाउनस्ट्रीम। बोलिए आफ्रा, क्लियर? यस सर। क्लियर। चलिए तीसरा, ये तीसरा चौथा तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। टर्मिनेटर साइट कहाँ पे होगा? आप कहोगे ये भी कोई पूछने वाली बात है, टर्मिनेटर वही होगी जहां खत्म करेंगे, प्रमोटर वही होगा जहां शुरू करेंगे, ठीक है? Yes, बोलो भाई। अब मुझे जल्दी से एक बात बताओ, जल्दी से बात बताओ, एक इंपॉर्टेंट, जल्दी से एक बात बताइए। जीन किसे कहते हैं? सुनिएगा, सॉरी अभी 3-4 पॉइंट्स और लिखने हैं। टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ये कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। इनको मिला के क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन मैं इतना जानता हूं डीएनए का वो पार्ट जो आरएनए बनाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज जीन, याद है ना?
जीन, उसी को जीन कहेंगे, एक एक और बात याद रखिएगा, प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन आर कॉल्ड ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, आर कॉल्ड ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या शामिल है बता देते, तीन चीजें, प्रमोटर, टर्मिनेटर और क्या, स्ट्रक्चरल जीन। फिर से बताइए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या शामिल है, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन। अच्छा, क्या मैं इसे ट्रांसलेट करके लिख सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ सुनिएगा, अगर गलत होगा तो बताइएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, टर्मिनेटर, टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड पाए जाते हैं, सही या गलत? सही। सही है, दोनों को मिला के स्ट्रक्चरल जीन कह दीजिए, नहीं तो 1, 2, 3, 4 कह दीजिए। अगर दोनों को मिला के स्ट्रक्चरल जीन कह दे तो कितने कंपोनेंट्स हुए, तीन, कौन कौन से, प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन। और अगर हमने ये नहीं कहा तो प्रमोटर, टेम्पलेट, कोडिंग स्टैंड, टर्मिनेटर। एक बात बताओ, आरएनए कितना बनेगा, यहां से शुरू होके यहां तक, टर्मिनेटर से आरएनए बनेगा, नो, प्रमोटर से आरएनए बनेगा, नो, बोलिए, यस सर, नहीं बनेगा, ओके ना। टर्मिनेटर, प्रमोटर और ये, आप कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, नहीं है ना। एक बार फिर से बता देते, जीन किसे कहते हैं, बोलो भाई, आफ्रा, पार्ट ऑफ डीएनए सिंथेसाइजिंग यूजफुल आरएनए या प्रोटीन। और अगर कोई डीएनए आरएनए ना बनाता हो तो उसे जीन कहोगे क्या? नहीं, नहीं कहेंगे ना। अनन, सुरेश? नो सर। नहीं क्या? सुरेश, सिद्धार्थ? नो सर। कभी सड़क पे मार होते देखा ना? यस सर। यस सर। जब कभी सड़क पे मार होती है दो लोगों के बीच, तीन लोगों के बीच, तो किनारे जो लोग खड़े रहते हैं वो क्या कहते हैं? दो तरह के लोग होते हैं, एक अक्सर कहते हैं और मार, और दूसरे होते हैं कहते हैं अरे भैया क्यों मार कर रहे हो, है या नहीं? हेलो, yes, yes, अच्छा, लड़ाई दोनों को नहीं करनी है, खाली राय देनी है। एक ललकारता रहता और मार, एक ललकारता रहता ना मारो भाई, बोलिए, क्या मैं इन दोनों को जीन कहूं? नहीं, ये कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ये तो खाली जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ललकार रहे हैं। अक्सर घर पे रिश्तेदार आते हैं, हेलो, यस सर, यस सर, घर पे रिश्तेदार आते हैं, पेरेंट्स के फ्रेंड्स आते हैं, तो जानते हैं क्या है, सुझाव दे जाते हैं कि हमारा लड़का ये वाली किताब पढ़ता था, बड़ा अच्छा नंबर लाया, यस सर, सुझाव दे जाते हैं। उसके बाद आपकी क्या हालत होगी जानते हैं, वो किताब कल आपके पास हाजिर हो जाएगी, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, मन करता है रिश्तेदार को पकड़ के ले आवे कि बैठ के पढ़ के दिखाओ, नहीं मन करता? यस सर, यस सर। लेकिन उन्हें पढ़ना नहीं, उन्हें राय देना, अच्छा हुआ एक ही किताब बता गए हो, 3-4 बता जाए, बोलो भाई, यस सर। तो ऐसे yes, लोग जिन्हें काम नहीं करना है, ऐसे लोग जिन्हें काम नहीं करना, वो जीन नहीं कहे जाएंगे, वो खाली ललकारने का काम कर सकते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तेदार ऐसे भी आ जाते हैं, हर वक्त किताब लिए पढ़ते रहते हो, कुछ थोड़ा घूम आया करो, लो एक और डिस्टर्ब कर दिया, बोलो भाई, yes, sir। ऐसे रिश्तेदार कम मिलते होंगे, मिलते ही नहीं है सर ऐसे,
ऐसे रिश्तेदार नहीं मिलते ना। चलो हैं, चलो गए। तो ये है प्रमोटर, ये है टर्मिनेटर, बोलो भाई। और ये बीच का पार्ट क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। इसको तो जीन कहोगे ना? यस सर, क्योंकि ये आरएनए बना रहा, आरएनए। ये वाले डीएनए को जीन कहोगे? नो सर। ये वाले डीएनए को जीन कहोगे? नो सर। नहीं ना। अब ध्यान से सुनिएगा, देयर आर some sequences present upstream or downstream called a regulator gene, but mistaken and should be called a regulator sequences। जीन नहीं कह सकते, कोई और नाम चुन लो आप। तो मैंने नाम बदल के क्या कर दिया? बिकॉज क्यों नाम बदल दिया? They do not synthesize any RNA, but control the RNA synthesis। RNA synthesis को control करते हैं ये, RNA बनाते नहीं, सिर्फ control करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हो सकता है इस किनारे पाए जाएं, हो सकता है इस किनारे पाए जाएं, हम sure नहीं है। फिर से बताइए, रेगुलेटर, इनको रेगुलेटर जीन कहा जाए कि रेगुलेटर सीक्वेंस कहा जाए? रेगुलेटर सीक्वेंस। जीन क्यों नहीं कह रहे हैं? आरएनए सिंथेसिस नहीं करते। ये रेगुलेटर सीक्वेंसेस क्या करते हैं? दे कंट्रोल द आरएनए सिंथेसिस। एक बार, ये रेगुलेटर सीक्वेंसेस कहाँ पाए जाते हैं? अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम या कहीं भी? कहीं भी, either upstream or downstream, okay? तो both नहीं कह सकते sir, either कहेंगे। either, ऐसे लोग एक ही तरफ पाए जाते हैं, दिन भर में चार रिश्तेदार थोड़ी आते हैं जो ये कहेंगे। yes sir। बोले, एक बात और अभी पूरी नहीं हुई। These regulator sequences, these regulator sequences either प्रमोट, या तो प्रमोट करेंगे, और इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस कॉल्ड है, क्या नाम रखेंगे इनके? कॉल्ड, या तो ये कहे जाएंगे, या तो अगर ये प्रमोट कर रहे होंगे, called enhancers। अगर ये आरएनए बनाने की प्रक्रिया को प्रमोट करेंगे तो क्या कहे जाएंगे? enhancers। और अगर इनहिबिट करेंगे तो silencers। ये बताओ, enhancers एंड silencers से जीन है या रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं? Regulatory sequences. जो मैंने कहा था, जब दो लोगों के बीच मार होती है तो
तो दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं और मार, कोई उन्हें मार तो खानी नहीं है, उन्हें आरएनए तो बनाना नहीं। ललकारने वालों को क्या कहते हैं? एनहांसर्स। और इनहिबिट करने वालों को साइलेंसर्स, साइलेंसर्स कहते हैं। ओके, एक बात और इम्पोर्टेंट है, अब यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा कल। ओके ठीक है, यस चलिए, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं लखनऊ स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, क्लास व्लास चल रहा है? राजनीता कल था, हैं अभी सिर्फ केमिस्ट्री हुई थी, केमिस्ट्री चल रही थी। चलिए आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही है, मुझे लगता है कि जल्दी एक दो दिन में आपके तीनों सब्जेक्ट के क्लास चलने लगेंगे, और ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। बदलने वाले नहीं, नहीं सारे वही लोग पढ़ाएंगे, आज की ताजा खबर है। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता चला? अरे जी हमसे पूछे बगैर कोई काम, आप पूरी बात बताती ही नहीं, आधी बात हिंदी की छोड़ देते हैं, आप सस्पेंशन में लगा रहता है। नहीं नहीं अब आपके सारे क्लासेस वही टीचर्स ले रहे हैं तीनों लोग, एक दो दिन में शुरू हो जाएगी रेगुलर। ओके यस सर, तो क्यों बीच में ऐसे रेगुलर हो गई थी? अरे लड़ाई वड़ाई होती रहती है, ठीक है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उसमें आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए, दैट्स इट। ओके ना, ठीक है, यस चलिए, यस थैंक यू सर, चलिए ओके।